अभी हम लोग सूरत पहुंच चुके हैं। चल तेरी ब्लॉग बनाया जा रहा अपना, यही नहीं समझ। कैसे वाल लगाएगा बताइए। ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन में भाई हम लोग एलेक्सा भी चला रहे हैं। मैं आपको फोन मिला रहा था, आपको फोन भी नहीं मिला। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गोवा। दिल्ली की तरह यहाँ पे ओला उबर तो चलती नहीं है, एक ऐप है जो गोवा की ऐप है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अगली वीडियो में। पिछली वीडियो में आपने देखा था कोटा तक का सफ़र, और आज हमारे एक और दिन की शुरुआत हुई है। अभी भी पूरे दिन की जर्नी है, और अभी हम लोग पहुँचे गोधरा। अभी यहाँ से बस एक घंटे बाद हम लोग पहुँचेंगे वडोदरा, और फिर रात को हम लोग पहुँचेंगे गोवा। तो आज की जैसी भी जर्नी रहेगी वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। कितने का भाई? 30 रुपए का। 30 रुपए कितने हैं? 2 बार 2 पाव आएगा। लू ये दिखाइए यार, गरम है ना? नॉर्मल है, नॉर्मल है, टेंशन में अभी लेके आए। एक भजिया, भजिया कितने की है? 30 रुपए। तो भैया 30 रुपए का वड़ा पाव है, दो इसमें वड़ा है और एक पाव है, 30 रुपए का है वडोदरा स्टेशन में। और ये भजिया 30 रुपए, भजिया भी 30 रुपए की है। मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। तो भाई अभी हम लोग वडोदरा पहुंच गए हैं, सुबह 11 बजे का टाइम था ट्रेन का वडोदरा पहुंचने का, टाइम पे ही पहुंची है ट्रेन। अभी यहां से हमने ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, बड़ा पाव वगैरह लिया, देखते हैं खा के कैसा है। अभी भी हमारी जर्नी का कम से कम 13-14 घंटे का तो अभी बचा ही है रास्ता। और अभी हमारे लल्लन भाई खा के बताएंगे बड़ा पाव कैसा है। भाई कैसा है बड़ा पाव? सही है, टेस्ट आ रहा महाराष्ट्र वाला? नहीं है, मैं भी खा के देखता हूँ। ठीक है, गर्म नहीं है ना, इस वजह से स्वाद नहीं आ रहा ज़्यादा। जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं गर्मी भी बढ़ती जा रही है। तूने भी तो अभी उतारी थी, दोबारा पहन ली है? गर्मी लगी भी गर्मी। हम लोग सूरत पहुंच चुके हैं। चल तेरी ब्लॉग बनाया जा रहा अपना, यही नहीं समानी। चल तेरी ब्लॉग बनाया जा रहा अपना, यही नहीं समानी। चल तेरी ब्लॉग बनाया जा रहा अपना, यही नहीं समानी। अभी हम लोग सूरत पहुंच चुके हैं कुछ तरह से। पीछे आप देखिए सूरत का स्टेशन। ट्रेन अभी तक तो टाइम पे ही है, 12:30 का टाइम था। थोड़ी 5-10 मिनट ऊपर नीचे हुई होगी ट्रेन, और गर्मी भी हो गई है थोड़ी बहुत। जैकेट शैकेट जिसकी वो हमने उतार दी है। अभी बस यहाँ पे 2-4 मिनट ही रुकेगी ट्रेन, फिर उसके बाद आगे निकलेगी। भाई अभी स्नैकिंग की तैयारी हो रही है। ट्रेन में हम लोग भेलपुरी भी ले आए थे, अभी थोड़ी बहुत अगर भूख लगे तो हम खा पी लें। अरे हमारी मैडम बना रही है भेलपुरी, इधर बढ़िया सी बनाइए भाई, हैं पैसे नहीं मिलेंगे अगर बेकार बनेगी तो। दुकान लगा लेते ना ट्रेन में ही। इसको वाल लगाने के लिए रख लेंगे हैं ललन। कैसे वाल लगाएगा बताइए। और यहाँ पे हमारी भेलपुरी बनके तैयार है, मस्त लग रही है भाई। ये तो खा के देखेंगे हमारी मैडम ने कैसी बनाई है। ललन की भेलपुरी आ गई ललन के पास, ललन खा के दिखाएगा। बता भाई टेस्ट बता दो। एकदम बढ़िया बढ़िया है। पास है हमारी बीवी है, पैसा डबल करके दे दियो, फिर डबल करके दे दियो। ये आ गई भाई मेरी भी भेलपुरी, अब मैं भी खा के देखता हूँ। तो भाई अभी 4 बजे के करीब का टाइम हो रहा है, और हमारी ट्रेन पहुँचने वाली है मुंबई पनवेल के पास। वहाँ पे इसका 10 मिनट का हॉल्ट रहेगा। और ट्रेन के मैं खाने का एक्सपीरियंस आपको बताऊँ तो हमने खाने के लिए तो कुछ भी नहीं लिया ट्रेन से,
कल हम डिनर लेके आ रखे थे वही हमने खाया था, और मॉर्निंग में हम सैंडविच बनाया था हमने घर से ही सामान लेके आ रखे थे उसका, और अभी भेलपूड़ी वगैरह खाई थी वो भी हमने यहीं पर बनाई थी। खाने का तो हमने ट्रेन से कुछ लिया नहीं, पता नहीं भाई कैसा होता है कैसा नहीं, मज़ा नहीं आता, तो इसलिए हम लोग घर से ही लेके आए थे। और बाकी हमने अभी पनवेल में ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर दिया रात के लिए भी और अभी के लिए भी, तो कुछ अभी खा लेंगे और फिर कुछ रात को खाएंगे। आगे तो जो स्टेशन थे वहाँ पे खाने वाने का कुछ दिखा नहीं रहता ऑनलाइन, तो हमने पहले ही वो ऑर्डर कर दिया। और हो सकता है हमारी ट्रेन लेट भी हो सकती है थोड़ा, एक डेढ़ घंटा, तो खाने के लिए तो हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ करा नहीं, पहले ही हमने ऑनलाइन फूड ऑर्डर करके मंगवा लिया। मैं भी आपको एक चीज़ यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप लोग इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हो दिल्ली से गोवा तक का, तो अपने लिए भाई खाने का प्रॉपर अरेंजमेंट करके आना, क्योंकि ट्रेन का खाना आपको पसंद आए ना भी आए आपको नहीं पता, कईयों को पसंद आ भी सकता है, लेकिन मैं अपने केस की बात बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ कि भाई ट्रेन का खाना मुझे अक्सर पसंद नहीं आता, तो इसलिए हम लोग तो लेके चलते हैं। बाकी जो स्टेशन्स वगैरह आते हैं वहाँ पे आप ले सकते हो लोकल, जैसे गुजरात शुरू हो जाता है तो वहाँ पे वड़ा पाव शुरू हो जाता है, महाराष्ट्र के एरिया आएगा वहाँ पे भी वड़ा पाव आपको मिलेगा, जैसे जैसे मतलब जो जो आता रहता है वैसे वैसे आपको मिलता रहता है, बाकी पानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ तो आपको मिलता ही है। ट्रेन ने अब तक 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी तक कवर कर लिया और हम लोग मुंबई के पास पहुंचने वाले हैं पनवेल। अभी तक ये मेरी दूसरी सबसे लंबी ट्रेन जर्नी है, इससे पहले मैं तिरुपति गया था, वो भी 30-32 घंटे की जर्नी थी ट्रेन की, उसके भी मैंने ब्लॉग्स बना रखे आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं वो। और अभी तक का ट्रेन का एक्सपीरियंस तो काफ़ी सही है, बस जर्नी थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है, अभी भी 8 घंटे की जर्नी बाकी है, बाकी उसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं है, जर्नी का एक्सपीरियंस तो काफ़ी सही चल रहा है। ये वाले घर की हालत देखो आप, सामने क्या हो रखी है, ऐसा लग रहा है जला पड़ा है पूरा। अभी पनवेल हम लोग पहुंच चुके हैं कुछ इस तरह से, पीछे आप देखिए स्टेशन, एक ऑर्डर करा था डोमिनोज से वो तो आ चुका है, और एक दूसरा ऑर्डर करा था वो अभी तक नहीं आया, उसी को देख रहा हूँ मैं। और ये कुछ इस तरह से पीछे आप देखिए स्टेशन, खाने पीने के यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, वड़ा पाव वगैरह तो आपको मिलेगा ही। आ गया भाई आ गया, दूसरा ऑर्डर भी आ गया। हाँ यशु, 750 रुपये है, कितने हैं? 750। मैं आपको फ़ोन मिला रहा था, आपको फ़ोन भी नहीं मिला, कोई बात, भाग भाग के आए हो आप, है ना, कोई बात नहीं, चलो चलो मैं इनसे ऑर्डर ले लेता हूँ फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। तो दूसरा ऑर्डर भी हमें मिल गया, भाई भागता हुआ आ रहा था, उसकी एकदम सांस फूल गई थी, तो कह रहा भले भाई ऑर्डर ले लो फिर उसके बाद में बात करना। तो दोनों ऑर्डर जो हमने करे थे वो हमारे पास पहुंच चुके हैं एकदम सही सलामत, और ललन भाई हमारा कोल्ड ड्रिंक ले आया है यहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक इकट्ठे कर लिया भाई, आगे पता नहीं मिले या ना मिले, और थम्सअप नहीं थी, पेप्सी है खाली, चल ठीक है कोई नहीं, चल जाएगा इससे काम। अभी भी 7-8 घंटे की हमारी जर्नी बाकी है, ट्रेन यहाँ पे बस 5-7 मिनट के लिए रुकती है, बस चलने वाली है ट्रेन। अभी जो मंगवाया है हमने, बहुत भूख भी लग रही है, डोमिनोज का पहले पिज़्ज़ा खाएंगे, उसके बाद फिर जो रात के लिए हमने रखा हुआ है वो हम बाद में खाएंगे। के पिज़्ज़ा बाट दो, एक एक सारे सबके सेम ही है, करो करो, सुबह से कह रहे थे भूख लग रही है भूख लग रही है, ढंग का कुछ खाया नहीं, अब खाओ। दामी कह रही है भूखा मार, क्या बोला था, क्या बोल रही थी मेरी बीड़ी, अच्छा भूखा मार दिया, अब खाओ पेट भर के। गुगू 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 पिज़्ज़ा खाएगा, गुगू ने आराम कर लिया, 1.5 घंटे सो गई है गुगू, परी भी सो गई थी 1.5 घंटे, अब ये लोग बच्चे उठ के उदम मचाएंगे। रात के बज गए 10 और हम लोग पहुंच गए रत्नागिरी, यहाँ से सिर्फ 2 स्टेशन दूर है मडगांव जो गोवा का स्टेशन है। लोग भी बाहर आने की जिद कर रही थी कि मुझे भी बाहर लेके चलो बाहर लेके चलो, और बाहर आके इतनी खुशी हुई है ना पूछो मत। हेलो कर दे सबको, आपको अच्छा लग रहा बाहर आके। और ये कुछ इस तरह से रत्नागिरी का स्टेशन आप देख सकते हैं। और दोस्तों इस ट्रेन की अगर मैं टिकट की प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इस ट्रेन में है 3 क्लासेस, पहली है सेकंड क्लास, दूसरी है थर्ड क्लास और तीसरी है स्लीपर क्लास। जो सेकंड क्लास का किराया है उसका है 3030 रुपये, और जो थर्ड एसी है उसका किराया है 2100 रुपये, और जो स्लीपर क्लास है उसका किराया है सिर्फ 805 रुपये। तो आप दिल्ली से गोवा सिर्फ 805 रुपये में पहुँच सकते हो अगर आप पहले से ही एडवांस बुकिंग इस ट्रेन में करा के रखो। और ये ट्रेन सिर्फ फ्राइडे को ही चलती है रात को 10:15 बजे हज़रत निज़ामुद्दीन से, और 28 घंटे का सफ़र पूरा करके रात को 2 बजे पहुँचाती है अगले दिन मडगांव।
जिस चीज़ का मेरे को डर था वही हो गया, ट्रेन हमारी हो चुकी है लेट, अभी आधे पौने घंटे से तो इसी स्टेशन पे खड़ी हुई है ट्रेन। पता नहीं किसी ट्रेन को इसने पास देना है क्या, एक ट्रेन ये खड़ी हुई है पीछे और एक ट्रेन ये खड़ी हुई है हमारी। अभी बस एक ही स्टेशन रह गया, उसके बाद हमारा गोवा का ही स्टेशन है और उससे पहले ही हमारी ट्रेन लेट हो चुकी है। डेढ़ घंटा वहाँ पे खड़े होने के बाद ट्रेन चल पड़ी थी और ये गोवा का पहला स्टेशन है परनेम स्टेशन। अगर आप अरम्बोल या मोरजिम की साइड स्टे कर रहे हो तो आप लोग ये स्टेशन पे उतर सकते हो अगर यहाँ पे आपका ट्रेन का स्टॉपेज है तो। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गोवा। बताओ कहाँ पे आए हो? अभी सो के उठी है ना भाई, इसलिए अभी थोड़ी बैटरी अभी धीरे धीरे चार्ज होगी। तो भाई पहुँच गए हम लोग गोवा फाइनली। हाँ भाई लल्लन फाइनली पहुँच गया भाई गोवा, तू भी चलो भाई चलो। तो ये है कुछ इस तरह से गोवा का स्टेशन बाहर से। सामने आपको प्रीपेड टैक्सी का काउंटर मिलेगा। अभी यहाँ पे भी टैक्सी वाले खड़े होते हैं, अभी हमने एक से बात करी है, उससे रेट तय कर रहे हैं। गोवा हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली। ट्रेन हमारी ढाई घंटे लेट थी, 2 बजे का टाइम था तो हम 4:30 बजे पहुँचे हैं। अब यहाँ से बस टैक्सी देख रहे हैं, टैक्सी करेंगे फिर अपने एयरबीएनबी पे जाएंगे। और दिल्ली की तरह यहाँ पे ओला ऊबर तो चलती नहीं है, एक ऐप है जो गोवा की ऐप है, वो गोवा माइल्स करके है, उस पर भी आप लोग चेक कर सकते हो। अभी मैंने भी चेक करी थी तो उस पर अवेलेबल नहीं दिखा रहा था कैब। बाकी यहाँ पर आपको प्रीपेड टैक्सी काउंटर तो दिखेगा ही मडगांव के रेलवे स्टेशन पर, और बाहर ऐसे कुछ टैक्सी वाले आपको घूमते हुए दिखाई जाएंगे। अभी उन्हीं से मैंने बात करी है, फिर जितने में मेरी कैब होती है फिर मैं आपको बताता हूँ। भाई हमने अर्टिगा बुक करी है, येलो नंबर प्लेट है ये, 1800 रुपये में हमने बुक करी है। इसमें 6 बंदे आराम से आ जाएंगे और आपके पास सामान वगैरह हो वो भी आप लोग रख सकते हो आराम से, ऊपर कैरियर लगा हुआ है। तो ये हमने बाहर ही बात कर ली थी, तो 1800 रुपये में हमें ये कैब पड़ी है मडगांव के रेलवे स्टेशन से नॉर्थ गोवा जाने के लिए। और अभी तो हम लोग जा रहे हैं अपने एयरबीएनबी पे जो हमने बुक कर रखा है, वहाँ पे जाके हम लोग रेस्ट करेंगे। फिर आगे का जैसा भी होगा वो आपको आगे आने वाली वीडियोस में देखने को मिलेगा। ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम गोवा।